भी आपको लगे कि दूध नहीं पचता, दूध पीते ही लूज मोशन आती है, तो उसके लिए मैं एक प्रयोग बता देता हूँ। आयुर्वेद में पंचकोल चूर्ण मिलता है, पंचकोल चूर्ण पांच चीजों को मिला के बनता है, तो वो पंचकोल चूर्ण ले आइए आप। इसको रात को या सुबह, जैसे आपको शाम को दूध पीना है, रात को कई बार सोते वक्त याद भूल जाता है किसी किसी को, तो वैसे याद रखना चाहिए, लेकिन अगर कभी ऐसा लगता है दो चार दिन से पिया नहीं जा रहा, तो शाम को दूध पी लो 5-6 बजे सूर्य ढलने के बाद। तो अगर आपने शाम को दूध पीना है तो सुबह पंचकोल चूर्ण को एक चम्मच लेके, छोटा एक चम्मच, एक गिलास पानी में भिगो दो, भिगो करके रख दो कांच के गिलास में। शाम को उसको छान करके, थोड़ा मल करके ना छान लो, वो पानी इतना इतना पानी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, उसको आप पी लो, और उसके 10 मिनट बाद या 7 मिनट बाद आप दूध पी लो इस पंचकोल चूर्ण के पानी पीने के बाद, तो दूध पच जाएगा, लूज मोशन नहीं करेगा। फिर भी आपको लगे तो इसी चूर्ण को आप जब आप सुबह भिगो दो तो शाम को उबाल लो, 2-4 मिनट उबाल के फिर छान लो, तो वो इतना बच जाएगा पानी, उसको पी के फिर 10 मिनट बाद दूध पी लो। ये तरीका जो है, सुबह दूध नहीं पचता, सुबह दूध पीना जो चाहता है उससे पहले 10 मिनट पहले पंचकोल चूर्ण का काढ़ा पी लो, तो भी दूध पच जाएगा। इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, इसलिए नहीं कि आपका टाइम मैं आपको जाया करूं या कुछ लंबी चीज बता के मुझे खुशी होती है, मैं इसलिए बताता हूं कि व्यक्ति अगर समझे तो पूरा समझे, और ऐसा समझे कि फिर एक जिंदगी में एक बार समझना पड़े, बार बार धक्के ना खाने पड़े। नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य। दूध से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल मेरे को बार बार सुनने को मिल रहे हैं, लोग पूछते हैं कि ठंडा दूध गर्मियों में पिए कि ना पिए, मैंगो शेक पीना अच्छा है कि नहीं अच्छा है, और रात को हम दूध पी करके कितनी देर बाद खाने के बाद दूध पिए, या फीका दूध पिए कि मीठा पिए, दूध में कॉर्नफ्लैक्स डाल सकते हैं कि नहीं, दलिया दूध वाला ऐसे कुछ खाना है कि नहीं, 40 साल के बाद दूध पीना सही है गलत है क्या, ये सारे सवाल मैं काफ़ी समय से नोट कर रहा हूँ, और दूध पचता नहीं, तो इन सब पे मैं आज चर्चा करूँगा खुल करके अच्छे से, ताकि आपको दूध से जुड़ी हुई कोई अपने अंदर दिमाग में परेशानी ना रह जाए कि भाई दूध में मुझे पचता ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ। तो आयुर्वेद को जो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उन सबके लिए ये काम आएगी जानकारियाँ। सबसे पहले सवाल ज़्यादा थे इसलिए मैंने लिख के रख लिए अपने पास। तो सबसे पहले किसी ने पूछा कि ठंडा दूध रात को पीना चाहिए या यूं कि ठंडा दूध पीना चाहिए, ये सवाल बड़ा वाजिब है, हर किसी को दिल करता है गर्मी में कि गर्म चीज़ नहीं दिल करती पीने को, तो ठंडा ठंडा मानता इंसान। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों चीज़ें हैं, पी भी सकते हैं ठंडा दूध और नहीं भी पीना चाहिए। आप कहेंगे दोनों चीज़ें हैं तो फिर हमें थोड़ा खुल के बताओ, मैं आपको बताता हूँ। दूध जो है, असल में कहा जाता है कि दूध गर्म ही है, गुनगुना हो, बहुत तेज़ गर्म भी ना हो, गुनगुना दूध ही पीने लायक है। ठंडा दूध पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप बोलेंगे जी फिर तो आपने बंदिश लगा दी हमारे ऊपर, अब हमें गर्मी में दिल करता है, तो मैं आपको एक छूट देना चाहता हूँ। इसमें आप चीज़ घबराइए नहीं, अगर आप सूर्य ढलने तक यानी जब गर्मियों में आपको लगता है कि अभी तपिश है, वातावरण में तपिश है, गर्मी है अभी, और पच जाएगा दूध, उस समय में आप हल्का ठंडा दूध, बहुत बर्फ डाल के नहीं, हल्का ठंडा दूध फ्रिज से निकाल करके उसको भी आधा घंटा रख करके, बड़ा नॉर्मल हो जाए जब, वो हल्का ठंडा दूध उसमें ठंडाई डाल के पी सकते हैं। ठंडाई डाल के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ठंडाई में आप काली मिर्च देखते हैं, तो काली मिर्च थोड़ी गर्म है, तीक्ष्ण है, तो ऐसे में ये जब काली मिर्च थोड़े उसमें मगज होते हैं, तरह तरह के बादाम होते हैं, ठंडाई बन जाती है उससे, तो वो जब फेंट करके अच्छी तरह से मधानी से उसको हम बनाते हैं ठंडाई को, तो ठंडाई जो है उसमें वो पेट में गैस नहीं करता दूध। वैसे दूध आप ठंडा निकाल निकाल के रोज पियेंगे तो वो गैस कर जाएगा। दिन के समय दूध पी लो आप ठंडा ऐसे कभी, लेकिन आदत ना बनाना, ठंडे दूध की आदत मत बनाना कि भाई अब मैंने ठंडा, मैंने सुन लिया है मेरी वीडियो पे, वैसे लोग बड़ा पूरा दबा के प्रयोग करते हैं कि हाँ ये सही बताएगा, लोगों को लगता है और अच्छा भी है। मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखता हूँ कि आपको कोई गलत गाइड ना करूँ, चीज़ गाइड ना करना अच्छा है, गलत गाइड करना बहुत बुरा है। तो इसलिए आप ठंडा दूध ऐसे गर्मियों में कभी कभार ले सकते हैं, आदत मत बनाना, मैं फिर कह दूं हम खुद नहीं आदत बनाते, पीते जरूर हैं ऐसी ठंडी चीज़ कभी, मैंगो शेक जैसे आप पूछते हैं कि मैंगो शेक पीना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल पी सकते हैं मैंगो शेक, लेकिन फिर वही बात है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे दूध में केला डालना है, दूध में आम डालना है, ये फल हैं, दो फल ऐसे हैं आम और केला, दूध में डाले जा सकते हैं लेकिन नहीं भी डाले जा सकते। आप कहोगे जी कई जगह पे लिखा है कि ना पियो, कई जगह कोई कह रहा है लिख लो पी लो,
बात ये है कि केला और आम में जो दूध में मिलते हैं ना, तो एक तो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करेंगे, यानी जो लोग पतले दुबले हैं उनके लिए तो ठीक है, जो व्यक्ति बहुत लो डाइजेशन का शिकार है, बहुत डाइजेशन आगे ठप है पूरी, या जो व्यक्ति का वजन बहुत ज्यादा है आगे ही मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, जो चीज खाते हैं धीरे धीरे पचती है, फैट्स में कन्वर्ट होती है, उन लोगों को ऐसे शेक्स नहीं पीने चाहिए क्योंकि वो डाइजेशन को मेटाबॉलिज्म को स्लो करेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस चीज को किसको करना है किसको नहीं करना है। फिर इसके अलावा किसी ने पूछा कि आपको दूध दिन में पीना चाहिए, आप कह रहे हो कि दिन में दूध पी लो, मैंने एक दो बार पहले भी कहा तो दूध दिन में तो पीना मना किया है हमारे ऋषियों ने, ऐसा नहीं है कि दूध दिन में पिया हमारे ऋषियों ने मना कर दिया है। दरअसल दूध इसलिए शाम को पिया जाता है सूर्य ढलने के बाद, एक तो दूध पचाने के जो एंजाइम्स हैं वो जो अडल्ट्स हैं जैसे 40 साल से बड़ा कोई व्यक्ति है, एलोपैथ कहता है या हमारी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो रिसर्च है वो कहती है कि सेक्रीशंस बनते ही नहीं है दूध पचाने के 40 साल के बाद। तो दरअसल ये गलत है, जो लोग बचपन में कभी दूध पीते ही नहीं हैं उन लोगों के 40 साल के बाद ये सेक्रीशंस बनने बंद हो जाते हैं, जो लोग दूध पीते रहते हैं बचपन से पीते आ रहे हैं और पी रहे हैं और पच भी रहा है उन लोगों के बिल्कुल भी सेक्रीशंस, वो सेक्रीशंस का मतलब होता है दूध पचाने वाले रसायन तत्व, वो बनते रहते हैं। तो दूसरी बात की जो 40 साल से बड़ा हो गया व्यक्ति उसको बढ़ना नहीं है, अब ग्रो नहीं करना है, अब जस्ट मेंटेन रखना है बॉडी को, तो उस व्यक्ति को आप दिन में दूध ना दे करके अब रात को जब देते हैं या सोने से पहले देते हैं तो नींद अच्छी आती है, पचता अच्छे से है, क्योंकि बड़े व्यक्ति ने अक्सर खुराक बाकी चीज़ें खा लेनी है, जिस बंदे ने जिस व्यक्ति ने रोटी भी खा लेनी सब्जी भी खा लेनी है वो दिन में दूध भी पी जाएगा, इतना शरीर को नहीं चाहिए होता है, इसीलिए मना करते हैं ऋषि। हर चीज के पीछे का कारण समझो, मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत है व्यक्ति, मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन इसीलिए मना करते हैं कि बड़े व्यक्ति ने बड़ा कुछ खा लेना है, बच्चा जो बढ़ रहा है ग्रो कर रहा है कई बार वो रोटी नहीं खाता है, तो आप उसको दूध देते हैं सुबह के समय तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखो कि दूध दे करके ऊपर से रोटी ना दे दो, या रोटी खिलाइए तो दूध ना दे दो, घंटे का फासला रखो। दूध एक संपूर्ण आहार है और संपूर्ण आहार लेकर के ऊपर से कोई रोटी देना, इसका मतलब डबल आहार दे दिया आपने, पचेगा नहीं, फिर वो गैस करेगा, उसको इनडाइजेशन करेगा, आगे जाके एलर्जीज होंगी बॉडी में, क्योंकि बॉडी में कुछ खुराक ही ना मिली, दो चीजें इकट्ठी चली गई ऐसी ताकत की, बॉडी ने एक भी चीज की खुराक नहीं लेनी, तो इसीलिए मना करते हैं सुबह। बाकी आप कभी बच्चा रोटी नहीं खा के जा रहा, भूखे ना भेजो उसको, दूध पी के जाना चाहता चला जाए, बात इतना ध्यान रखें कि दूध के घंटे तक दूध पच जाना होता है, तो फिर उसके बाद कुछ खाने को जरूर बच्चा ले जाए साथ में स्कूल में, ताकि ये ना हो कि उसको वहां जा करके दूध पे सारा दिन निकाल दे, वो फिर कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, दूध ने घंटे में पच जाना, पेट खाली हो जाना, पेट ने फिर कुछ मांगना, भूख लगनी है, तो उस समय में कुछ देना चाहिए उस बच्चे को खाने के लिए, दूध के साथ बादाम लें कि ना लें, ये लें कि ना लें, सब कुछ लिया जा सकता है, सब कुछ जायज है। च्यवनप्राश भी मैंने एक बार मना किया था दूध के साथ लेने को, च्यवनप्राश हालांकि दूध च्यवनप्राश ताकत की चीज है, च्यवनप्राश लेके ऊपर से गट 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 दूध ना पियो, च्यवनप्राश लिया 10-15-20 मिनट बाद आप दूध ले सकते हो, अगर आपको पित्त का रोग है यानी गर्मी बढ़ती है बॉडी में तो च्यवनप्राश लेके 10 मिनट बाद दूध दो, अगर आपको कफ का रोग है यानी नजला जुकाम का आदि रहता है तो फिर च्यवनप्राश लेके आधे पौने घंटे बाद दूध पियो, ताकि वो फिर गर्मी पैदा करे च्यवनप्राश अंदर, कफ को जलाए, फिर दूध पिया आधे पौने घंटे बाद। ये भी गलत है कि च्यवनप्राश के बाद बिल्कुल दूध ना पीना, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ हर चीज, क्योंकि च्यवनप्राश कई बार पित्त बढ़ा देता है, गर्मी बढ़ा देता है अंदर और पूरे शरीर को खून को आदि अंदर शरीर को गर्म कर देता है, तो ये भी ध्यान रखना कि च्यवनप्राश लिया तो दूध लेना ही लेना ऊपर से आधे घंटे बाद 40 मिनट बाद ज्यादा से ज्यादा, और अगर नॉर्मल व्यक्ति है वात रोग वाला है तो वो 15 मिनट बाद ले ले च्यवनप्राश के दूध, तो ये चीजें सारी कर सकते हो, ऐसे बादाम अखरोट हर चीज ली जा सकती है दूध में भिगो के, रात को पानी में भिगो के सुबह ली जा सकती है दूध गर्म दूध के साथ, पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको ड्राई फ्रूट और दूध इकट्ठा लेकर के गैस हो जाती है तब आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि फिर ओवर न्यूट्रिशन इसका मतलब आपकी बॉडी नहीं पचा रही। हर इंसान को अपने बॉडी को समझना जरूरी है आयुर्वेद को समझने के साथ साथ, आयुर्वेद ये नहीं कहता कि कोई मेरे ऊपर अंधाधुंध विश्वास करो, वो कहता है अपनी बॉडी को समझो और फिर उस पर चलो। तो ये चीजें थी। फिर किसी ने पूछा कि आप कहते हो दूध तेज पियो गट गट करके पियो, और कोई व्यक्ति कहता है धीमे धीमे दूध पीना चाहिए चुस्की लगा के, अब इसके ऊपर बताओ। देखो दूध जो है ये अगर आप रात के समय पी रहे हैं तो अच्छी बात है, नींद अच्छी आएगी,
लेकिन दूध गर्म होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, और तेज भी पिया जा सकता है, धीमे भी पिया जा सकता है। किसको तेज पिलाना है, किसको धीमे पिलाना है, मैं वो बता दूं। जिस व्यक्ति को दूध पीने से पेट लूज हो जाता है, उस व्यक्ति को तो दूध धीमे धीमे पिलाओ। और यहाँ तक कहते हैं हमारे आयुर्वेद के जो जानकार पुराने बुजुर्ग कि उसको चम्मच से दूध पिलाओ, जिसको पेट दूध पीते पेट लूज होता है। पहली बात, उसको धीमा पिला दिया, धीमा पिलाने से उसको पच जाएगा। जिस व्यक्ति को कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता, वो व्यक्ति तो दूध तेज पिए, गट गट करके पिए। अब देखो फर्क आ गया ना यहाँ पे भी। आप कहेंगे जी मुझे ना पेट की कोई दिक्कत है ना कुछ है, मैं दूध कैसे पीऊँ? आप नॉर्मल पियो जैसे पीना चाहिए, और दूध में मीठा डालने के फीका पिए। देखो फीका दूध पीने में गुनाह नहीं है। हम तो कई कई बार अगर मौका लग जाए तो गाय का ताज़ा दूध बिल्कुल दो के एकदम तुरंत पी लेते हैं, उसमें मीठा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको लगे कभी कि दूध, आजकल दूध की क्वालिटी भी तो गिर रही है, तो उस स्थिति में कभी दूध मीठापन दूध में नहीं है, दूध फीका है, तो आप मीठा ऐड कर भी सकते हैं, ना करें बहुत अच्छा। कई कई बार, बहुत रेयर होता है, लेकिन कई कई बार बिना मीठे का दूध किसी किसी को ना पछता सा नहीं है, डकारें सी आने लग जाती हैं, तो उस स्थिति में मीठा डाल देते हैं, मिश्री डाल देते हैं, हाजमा हो जाता है, शहद डाल देते हैं। कई लोग बोलते हैं शहद डाल के दूध नहीं पीना चाहिए, गर्म चीज़ में शहद डालना मना है, ऐसा नहीं है। बहुत सड़ते सड़ते दूध में नहीं डालना, हल्का गुनगुना दूध है उसमें शहद डाल के पी सकते हैं, कोई इससे वासना नहीं बढ़ती, कोई इससे काम विकार नहीं बढ़ता। कई लोग कहते हैं इससे वासना बढ़ जाएगी, बड़ा तेज होता है, जो भक्ति करते हैं उनको ऐसे नहीं करना पीना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, आप ले सकते हैं। व्यक्ति देखना होता है कि हम किसको दे रहे हैं। तो फिर किसी ने पूछा कि दूध के साथ अनाज ले सकते हैं कि नहीं। अब जैसे कई लोग दलिया दूध का पीते हैं या दूध के अंदर कॉर्नफ्लेक्स डाल के लेते हैं। देखो एक चीज है, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, वेट घटा रहे हो, तब तो आपको दूध में अनाज मिक्स नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, दूध में अनाज मिक्स किया भी जा सकता है किसी किसी चीज़ में। जैसे दूध में हम खीर बना के देते हैं, खुद बना के देते हैं, हमने बताया कई बार कि खीर बनाओ, चांद में रखो, ऐसे करो, यानी इसका मतलब आयुर्वेद में ये नहीं कहीं लिखा हुआ कि दूध में अनाज मिल ही नहीं सकता। दूध में अनाज मिला के अलग अलग चीज़ें बनाते हैं आखिरकार, तो वो दूध में अनाज मिला के जब हम देते हैं किसी को, कभी कभार खा ले, पुष्टिकारक है, थोड़ी ताकत देगा। 15 दिन में एक बार खा लिया, कभी 10 दिन में एक बार खा लिया, लेकिन रोज खाने से ये मोटापा लाएगा। आप कहोगे जी आप मोटापे, आपको तो मोटापा है नहीं, आप हमें बता रहे मोटापा लाएगा, आप खाओ फिर। मैं इतना शौकीन नहीं हूँ मोटा होने का, मुझे इतना शौक भी नहीं, और मैं दूध वाले अनाज दूध में डाल के लेता भी नहीं हूँ। मैं हल्का सब्जियों वाला दलिया खाना पसंद करता हूँ, दूध अकेला ही पीता हूँ मैं शाम के समय, रात के समय। तो आप ये कोशिश करिए कि दूध अकेला ही पिए। फिर भी अगर आप बच्चे को दे रहे हैं, किसी जवान व्यक्ति को दे रहे हैं, अच्छा लगता है दूध वाला दलिया या दूध वाली कोई खीर, कॉर्नफ्लैक्स आदि, तो वो आप खाइए, पच जाएगा। लेकिन आदत न बनाना इसको भी कि दूध वाला ही खाना है, यही करना है, तो उससे फिर कहीं ना कहीं एक चीज की जो आदत बनती ना, मान लो आपको दूध वाला दलिया है, बड़ा अच्छा है पचने में, बड़ा ताकतवर है, आपने रोज लेना शुरू कर दिया, कुछ दिनों के बाद वही गैस करने लग जाएगा। इसलिए हम बदल बदल के चीजें खाने में बड़ा जोर देते हैं, तो बदल बदल के चीजें खानी है, और दूध में अनाज जो डाल करके, कॉर्नफ्लेक्स डाल करके, जो अब वेट लॉस में कई बार देते हैं कॉर्नफ्लेक्स वाला दूध या ऐसा कुछ, कभी महीने में एक दो बार ले लिया। जैसे हर चीज लेनी है तो इसमें इसकी बारी भी एक दो महीने महीने में एक बार ही आनी है। लेकिन अगर आपने रोज ऐसा खाना शुरू कर दिया तो फिर वेट लॉस वगैरह नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। फिर किसी ने पूछा कि भैंस का दूध क्यों मना करते हैं जी, गाय का दूध पियो, गाय का दूध पियो, भैंस का दूध भी तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होता है, बस इतना ध्यान रखना कि भैंस का दूध, जैसी भैंस की बॉडी है उसी तरह का उसके दूध की गुण है। भैंस का दूध थोड़ा पचने में भारी होता है, कफकारी होता है, नजला जुकाम आदि वालों को देते नहीं है, जिनको जो दुबले पतले हैं वो पिए। अब मैंने कभी भैंस का दूध नहीं पिया, मैं तो गाय का पीता हूँ, लेकिन जो दुबले पतले अगर शौक रखते हैं मोटे होने का, तो भैंस का दूध उनको मोटा जल्दी करेगा। भैंस के दूध से दिमाग नहीं इतना तेज हो सकता, शरीर मोटा हो सकता है, दिमाग जो तेज होना है वो गाय के दूध से ही होना है। इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि बच्चों ने पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, उनको बोला जाता है कि मोटा चलो ना भी, वो बच्चा चल जाएगा, अगर बुद्धू होगा, पढ़ने में नलायक होगा, वो बच्चा नहीं चलेगा। इसलिए बच्चों को गाय का दूध बोला जाता है, बुजुर्गों को गाय का दूध बोला जाता है, क्योंकि बुजुर्ग कफकारी है, बुजुर्ग अगर गाय का दूध पियेंगे तो वो पचने में भारी कर जाएगा, गैस हो जाएगी, दर्दें होनी शुरू हो जाएंगी सिर पेट में। तो इसलिए ये समझना है कि कभी बॉडी बिल्डिंग कोई कर रहा है तो वो भैंस का दूध पी ले, कोई बात नहीं, पी के ऊपर से अपना जो अपना खुराक है ले ले, लेकिन
हर किसी को हर चीज़ नहीं दी जाती है, ये फिर मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा किसी ने पूछा कि दूध का और खाने का गैप कितना होना चाहिए रात को। देखो खाना खाया है, खाने पीने भी तो पचना ही है ना, तो खाना खा के घंटे बाद दूध ले लो। आपको लगा घंटे बाद नहीं तो 1.5 घंटे बाद ले लो दूध, लेकिन खाने के बाद सैर की जा सकती है रात के खाने के बाद। कई लोगों ने पूछा कि खाने के बाद सैर मना होती है, मैं फिर बता दूं सुबह और दोपहर के खाने के बाद सैर मना है, रात के खाने के बाद 10 मिनट बाद सैर पे जा सकते हैं, लेकिन सैर से आकर दूध पियो, दूध पी करके सैर में ना जाओ रात को। यानी सैर से आकर बाद में दूध पीना अच्छा होता है, जिसके बाद आपको लगे कि अब सोना, तब दूध पच जाता है। फिर भी आपको लगे कि दूध नहीं पचता, दूध पीते ही लूज मोशन आती है, तो उसके लिए मैं एक प्रयोग बता देता हूँ। आयुर्वेद में पंचकोल चूर्ण मिलता है, पंचकोल चूर्ण 5 चीज़ों को मिला के बनता है, तो वो पंचकोल चूर्ण ले आइए आप। इसको रात को या सुबह, जैसे आपको शाम को दूध पीना है, रात को कई बार सोते वक्त याद भूल जाता है किसी किसी को, तो वैसे याद रखना चाहिए, लेकिन अगर कभी ऐसा लगता है 2-4 दिन से पिया नहीं जा रहा, तो शाम को दूध पी लो 5-6 बजे सूर्य ढलने के बाद। तो अगर आपने शाम को दूध पीना है तो सुबह पंचकोल चूर्ण को 1 चम्मच लेके, छोटा 1 चम्मच, 1 गिलास पानी में भिगो दो। भिगो करके रख दो कांच के गिलास में, शाम को उसको छान करके, थोड़ा मल करके ना छान लो, वो पानी इतना इतना पानी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, उसको आप पी लो, और उसके 10 मिनट बाद या 7 मिनट बाद आप दूध पी लो इस पंचकोल चूर्ण के पानी पीने के बाद, तो दूध पच जाएगा, लूज मोशन नहीं करेगा। फिर भी आपको लगे तो इसी चूर्ण को आप जब आप सुबह भिगो दो तो शाम को उबाल लो 2-4 मिनट, उबाल के फिर छान लो, तो वो इतना बच जाएगा पानी, उसको पी के फिर 10 मिनट बाद दूध पी लो। ये तरीका जो है, सुबह दूध पच नहीं पचता, सुबह दूध पीना क्यों चाहता है, उससे पहले 10 मिनट पहले पंचकोल चूर्ण का काढ़ा पी लो तो भी दूध पच जाएगा। इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, इसलिए नहीं कि आपका टाइम मैं आपको जाया करूं या कुछ लंबी चीज बता के मुझे खुशी होती है, मैं इसलिए बताता हूं कि व्यक्ति अगर समझे तो पूरा समझे, और ऐसा समझे कि फिर एक जिंदगी में एक बार समझना पड़े, बार बार धक्के ना खाने पड़े। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।